हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की शुरुआत कर दी थी। उसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा वेक्टर के बारे में, फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर पढ़ा और फिर फाइनली हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, जिसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है वह पहले वेक्टर का स्केयर प्लस दूसरे वेक्टर का स्केयर प्लस 2 × पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड × कोस थीटा। थीटा होगा उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल और होल का रूट लगा देते हैं हम। तो उसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन भी निकाली थीटा एंड फाई की फॉर्म में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो वेक्टर में है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। जैसे बात करें कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D की बात करते हैं हम पहले, कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमें एक वेक्टर ए दे दिया कि एक ए वेक्टर ये है जो कि थीटा एंगल पे है, एक ए वेक्टर है ओ से ए पॉइंट तक जिसका मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ के बराबर होगा और वह थीटा एंगल पे एक्ट हो रहा है। तो इस ए वेक्टर का कंपोनेंट हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा और हमारी वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पे, कोई भी एक एम पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मैं अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखूं तो इसमें एक एंगल थीटा है, एक हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें गिवन है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही इसकी लेंथ के बराबर होगा। मतलब कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो एक इस टाइप की ट्रायंगल होगी जिसमें ये एंगल थीटा है, ये ओ पॉइंट है, ये एम पॉइंट है और ये एक ए पॉइंट है। ये डिस्टेंस जो है हमारी वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है। हमें क्या निकालना है, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है वो निकालना है। सपोज करो इन एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हमने मान लिया कि ए एक्स है, ए एक्स वेक्टर मानो या फिर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि ए एक्स मान लिया। सेम टू सेम इन वाई डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए जो होगा वो हमने ए वाई मान लिया। हमें फाइंड करनी है ए एक्स और ए वाई की वैल्यू। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो सबसे पहले हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को देख लेते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम ए, ओ एम ए जो हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा ए एम, और हम देखें ए एम किस डायरेक्शन में है, हमारी वाई डायरेक्शन में है, और हमने क्या माना है एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट ए एक्स है और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ए वाई है। यानी हम इस डायरेक्शन के कंपोनेंट को ए एक्स कह सकते हैं और इस डायरेक्शन के कंपोनेंट को ए वाई कह सकते हैं। यानी ए एम की वैल्यू क्या होगी, ए वाई के बराबर होगी, ओ एम की वैल्यू ए एक्स के बराबर होगी। हमें ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा में क्या होगा, परपेंडिकुलर ए वाई आ गया डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। इसका मतलब ए वाई हमारा क्या हुआ, ए का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा हुआ। अगर आपको याद है तो लास्ट टॉपिक में हमने जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला था उसमें भी इसी टाइप से साइन कोस यूज़ किए थे, बट हमने वहाँ पर इसका नाम नहीं दिया था कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है इसको, यानी एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ना कहा जाता है। उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ लेंथ के लिए ये वैल्यूज़ निकाल ली थी। अब हम इसी ट्रायंगल में देखें, ये फर्स्ट रिजल्ट, इसी ट्रायंगल में देखें कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा है ए एक्स और हाइपोटेनियस हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इससे हमें ए एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, ए एक्स होगा ए का मैग्नीट्यूड इनटू
कोस थीटा, ये सेकंड रिजल्ट हो गया हमारा। तो ये हमारा है टॉपिक की रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमारे किस काम आता है। हमें इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया, वह फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल न होकर किसी एंगल पे होगा। तो उस वेक्टर के हमें दो टुकड़े करने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक उसका वर्टिकल डायरेक्शन में टुकड़ा करना पड़ेगा। और फिर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को अलग रूप से पढ़ेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन को एक अलग मेथड से पढ़ लेंगे। यानी हमें हर एक वेक्टर को दो डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या फिर गिवन जो उसका कोऑर्डिनेट्स होगा, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ना होगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करने का तरीका, एक टाइप से कह सकते हैं। ये दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है हमारे, ax और ay। हम इसका रिवर्स भी प्रूफ कर सकते हैं कि ax का स्क्वायर और ay का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप करके देख सकते हो। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ का मतलब ax का स्क्वायर और ay का स्क्वायर किसके बराबर होगा, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम की जो प्रॉपर्टी होती है। तो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होना चाहिए, ये निकालेंगे हम। तो ax का स्क्वायर किसके बराबर है, a मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इसमें हम a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, वेक्टर ए का स्क्वायर ही आ जाए, क्योंकि ये तो वन हो जाएगा और सिंपली ये चीज़ बच जाएगी हमारी। और यही हमारा किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमें बहुत बार फिजिक्स में इस बात का यूज करना पड़ेगा कि एक वेक्टर किसी एंगल पे होगा और उस वेक्टर के हमें दो टुकड़े करने पड़ेंगे, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन के टुकड़े करने पड़ेंगे। तो उस वेक्टर के जो बेस का कंपोनेंट होगा उसको हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके साथ साइन थीटा लगा देंगे। वही ट्रिग्नोमेट्री वाली बात हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं इसके बाद कि एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या फिर किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर के साथ क्या होता है। यानी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर इनटू वेक्टर। यानी एक वेक्टर के साथ एक स्केलर क्वांटिटी की हम मल्टीप्लाई करें, स्केलर क्वांटिटी मींस एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करें तो हमारे वेक्टर पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे लेट अस अज्यूम कि एक ए वेक्टर है जो कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। यानी एक हमने वेक्टर मान लिया कि x डायरेक्शन में ax है उसकी वैल्यू, y डायरेक्शन में ay है और z डायरेक्शन में az के बराबर उसकी वैल्यू है। हमें यह कह दिया जाएगा कि एक b वेक्टर है। b वेक्टर का मतलब कोई भी एक कांस्टेंट c इंटू a वेक्टर होगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, तो उसका रिजल्ट आएगा c इंटू a वेक्टर की जगह a वेक्टर की वैल्यू रख देंगे ax i प्लस ay j प्लस ए जेड के बराबर रख देंगे। अब हम कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे हम एल्जेब्रिकली ऐड करते आए हैं कि एक्स इंटू ए प्लस बी होता है, तो हम क्या करते हैं एक्स की ए के साथ मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाते, एक्स इंटू बी के बराबर, इसी टाइप से करते थे। सेम टू सेम हमारा यहाँ पर मैथड लगेगा, क्योंकि इसके साथ कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी इंटू ए एक्स आई
प्लस सी इंटू ए वाई जे प्लस सी इंटू ए जेड के, तो ये हमारे बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। मींस एक स्केलर की अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वह स्केलर क्वांटिटी हर एक डायरेक्शन के साथ ऐड हो जाती है। एग्जांपल की बात करें, जैसे वेक्टर ए दे दिया हमें 2i प्लस 2j प्लस 3k दे दिया और हमसे पूछ लिया कि 2a बताओ किसके बराबर होगा, तो 2a का मतलब हर डायरेक्शन के अंदर डबल करनी है उस क्वांटिटी को, यानी x डायरेक्शन में भी डबल कर देंगे 4i हो जाएगा, y डायरेक्शन में भी डबल कर देंगे 2 इंटू 2 4j हो जाएगा और 2 इंटू 3 6k हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी होगी। जो हमने दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है कि उसके बेस का कंपोनेंट ए वाई कंपोनेंट, तो हमारा जो परपेंडिकुलर का कंपोनेंट है वो a इंटू साइन थीटा होगा और बेस का कंपोनेंट ax एक्स इंटू कोस थीटा के बराबर होगा। अगर बात हम 3D की करें, वैसे हमारे यूज़ में तो नहीं आएगा, मैथ्स का पार्ट है, तो उसके अंदर भी हम इसी टाइप से टुकड़े करते हैं। उसके अंदर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एक्सिस के साथ तीन अलग अलग एंगल लिए जाते हैं, वो थोड़ी हार्ड स्टडी हो जाती है। बट हमारे काम में तो सिर्फ और सिर्फ 2D की स्टडी आएगी, एक सिंपल प्लेन की स्टडी आएगी, तो हमें इसी टाइप से इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्केलर इनटू वेक्टर की, तो बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर इनटू वेक्टर, यानी दो वेक्टर की अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो हम किस टाइप से करते हैं। यानी पहले तो हमने सोल्व कर लिया कि स्केलर इनटू वेक्टर होगा तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो हर डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है, बहुत ही आसान सी बात। अब सेकंड जो है हमारी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, तो दो वेक्टर की मल्टीप्लाई दो तरीके से की जाती है, उन दोनों तरीकों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा एक तरीका है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा तरीका है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ लेते हैं कि जैसे एक वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो डॉट प्रोडक्ट का सिंबल ये होता है कि ए डॉट बी, दोनों की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम बात अलजेब्रा की करें तो बहुत बार तो हम ये लगाते थे कि 2 × 5 = 10 हो जाता था, कई बार हम ये लिख देते थे 2 × 5 = 10 है, तो ये दोनों के दोनों सिंबल ही मल्टीप्लाई के, बट यहाँ पर कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता तो दोनों का मतलब सेम ही आ जाता है। बट वेक्टर के अंदर डायरेक्शन का रोल होता है तो दोनों की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आती है। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को समझेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि दो डॉट प्रोडक्ट होंगी उसका क्या रिजल्ट होगा। उसका रिजल्ट होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। ये रिजल्ट कहाँ से आया, कैसे आया, इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमें बस याद रखना है डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी ए डॉट बी की, वो आएगी ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा के बराबर आएगी। जैसे बात करें एक्स डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर था तो आई कैप था, वाई डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या था, जे कैप था, जेड डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या था, के कैप था। ये तीन बातें तो हमने पहले भी पढ़ ली है, अब हम इन्हीं चीज़ को यूज़ करेंगे कि अगर मैं लिखूं, सबसे पहला रिजल्ट निकाल रहा हूं, अगर मैं लिखूं आई डॉट आई, यानी दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो, आई डॉट आई कर दिया, यानी दोनों के दोनों एक्स डायरेक्शन के अंदर है और दोनों यूनिट वेक्टर ही है, तो उनकी मल्टीप्लाई क्या होगी। तो आई डॉट आई का मतलब क्या हो गया,
आई का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर क्या होगा दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर भी हमारा आई कैप है, और फिर क्या होगा कोस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है ए और बी के बीच का एंगल है। अब हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो ये है ना कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आई क्या हुआ एक्स की डायरेक्शन वाला, दूसरा आई क्या हुआ वो भी एक्स की डायरेक्शन वाला, तो दोनों के अंदर कितने डिग्री का एंगल है, दोनों है तो सेम ही लाइन के लॉन्ग ना, तो दोनों के अंदर जो हमारा एंगल है वो है जीरो डिग्री, तो इंटू कोस जीरो डिग्री, तो क्या होगा आई कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं जो कि वन होता है, तो आई कैप की वैल्यू वन रख देंगे मल्टीप्लाइड बाय या फिर ब्रैकेट से सॉल्व कर लें, दूसरा आई कैप है ये भी वन होगा और कोस जीरो डिग्री भी वन होता है, तो वन इंटू वन क्या हो जाएगा वन आ जाएगा, यानी हम कुछ रिजल्ट यहाँ पर निकाल रहे हैं कि आई डॉट आई वन के बराबर होता है। सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पर जे डॉट जे करूँ तो आई की जगह जे आ जाएगा, यहाँ पर भी जे आ जाएगा, दोनों वाई एक्सिस के अलोंग है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा भी हमारा जीरो आएगा। जैसे आई कैप एक यूनिट वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड वन है तो जे कैप भी तो एक यूनिट वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड वन होगा। सेम टू सेम हम k डॉट k करेंगे तो k कैप का भी यूनिट वेक्टर वन होता है, यानी i डॉट i करें चाहे j डॉट j करें चाहे k डॉट k करें तीनों का मतलब वन होता है, एक तो ये बात याद रखनी है हमें। फिर से बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बहुत काम की बात है ये हमारे लिए कि डॉट प्रोडक्ट को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। अब हम करने जा रहे हैं तीनों डायरेक्शन की आपस में डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहले हमने x की x के साथ की y के साथ z की z के साथ तो देखा कि हमें क्या रिजल्ट मिला, तो दोनों की अगर प्रोडक्ट की हमने तो क्या रिजल्ट मिला मुझे वन मिला। दोनों अगर सेम क्वांटिटी हो x के साथ y के साथ z के साथ तो हमें रिजल्ट वन मिलता है जो कि हमने वहाँ पर लिख लिया। अब सेकंड रिजल्ट की बात करेंगे कि अगर मैं x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर की y डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, मतलब i कैप की j कैप के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या होगा i कैप का मैग्नीट्यूड इंटू j कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस, i कैप क्या है x डायरेक्शन, जे कैप क्या है वाई डायरेक्शन, दोनों के बीच एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 कितना होता है जीरो होता है, तो जीरो इंटू समथिंग क्या आएगा जीरो आएगा। सेम टू सेम अगर मैं वाई और जेड डायरेक्शन की बात करूं कि जे कैप इंटू के कैप की बात करूं तो क्या होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू के कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस कितना होगा, वाई और जेड डायरेक्शन में भी तो 90 डिग्री का ही एंगल होता है, तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारे कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई और जेड, तो इसमें भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा जो कि जीरो हो जाएगा क्योंकि कोस 90 जीरो होता है। सेम टू सेम मैं अगर एक्स जेड की बात करूँ यानी आई कैप डॉट के कैप की बात करूँ तो क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड के कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस, एक्स और जेड डायरेक्शन में भी तो 90 डिग्री का ही एंगल हुआ हमारा, कोस 90 डिग्री इसका मतलब भी जीरो हुआ। तो डॉट प्रोडक्ट में सेकंड बात हमारे याद रखने लायक ये हो गई कि आई की जे के साथ करूं चाहे जे की के साथ करूं चाहे के की आई के साथ करूं रिजल्ट मुझे जीरो मिलता है। तो इस टॉपिक में हमें डॉट प्रोडक्ट में दो मेजर रिजल्ट याद रखने हैं कि आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई हमारा जीरो होता है। तो एक तो वो बात हमारी याद हो गई और से एक ये हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब हमारे
काम का जो रिजल्ट है कि फिजिक्स में हमें कैसे कैसे क्या यूज़ करना पड़ेगा, जैसे उसमें एग्जांपल से देख समझते हैं कि एक ए वेक्टर है 2i प्लस j माइनस k, एक बी वेक्टर है i प्लस 2j माइनस 3k, और हमसे पूछ लिया जाएगा कि a डॉट b बताओ क्या होगा, कभी हमें दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ जाएगी। तो अगर हमें वेक्टर इस टाइप से दे रखे हैं, हमें मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा, अगर हमें वेक्टर इस टाइप से दे रखे हैं तो हम इस फॉर्मूले में नहीं घुसें कि हमने तो याद किया है सर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा होता है, थीटा कहाँ दे रखा है भाई, हमें तो सिंपल दो वैक्टर दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी का मतलब पहले पहला वैक्टर लिख दो 2i प्लस j माइनस k, डॉट b का मतलब b वेक्टर लिख दो i प्लस 2j माइनस 3k लिख दिया। अब हम वैसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे x y z हो और यहाँ पे भी 2x 3y 4z हो, तो पहले x की इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, सेम टू सेम y की तीनों के साथ, फिर z की तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई होगी 2i की i के साथ होगी, तो 2i डॉट i, क्योंकि बीच में डॉट है ना तो डॉट लगाएंगे, फिर 2i की 2j के साथ होगी, तो 2 और 2 तो कांस्टेंट बाहर ही आ जाएंगे, हमने पहले भी किया था कि मल्टीप्लाई अंदर करो चाहे हम बाहर रखें, बात एक ही होता है कांस्टेंट के साथ, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, i इंटू j i कैप इंटू j कैप हो जाएगा। फिर 2i की क्या करेंगे 3k कैप के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 6i कैप इंटू k कैप आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे j कैप के साथ करेंगे कि j कैप इंटू i कैप का मतलब हो गया j कैप डॉट i कैप, फिर j की किसके साथ करेंगे j के साथ करेंगे, प्लस का 2j इंटू j, ये भी प्लस का ही था, फिर करेंगे जे कैप की माइनस 3 के कैप के साथ, तो माइनस का 3 जे कैप इंटू के कैप। अब माइनस के की बारी आएगी, तो माइनस के इंटू आई, माइनस के इंटू 2j, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 के डॉट k हो जाएगा। तो a डॉट b का हमारा ये मतलब हुआ कि पहले i की सबके साथ कर दी, फिर j की सबके साथ कर दी, फिर k की सबके साथ कर दी, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब उन दो बातों को याद करो कि i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू i इंटू j, i डॉट j 0, तो ये चीज़ हमारी 0 हो गई। i डॉट k भी तो 0 हुआ, सेकेंड लाइन में हमने लिख रखा है, यानी हमें सिर्फ याद इतना रखना है, हम इस बात को रट भी सकते हैं, i j j k k ये कॉम्बिनेशन बने तो 1 है, अगर उल्टे उल्टे कॉम्बिनेशन बने i j j i k i इस टाइप से तो वो हमारे 0 रिजल्ट को शो करते हैं। तो ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, यहाँ पर j डॉट i 0, क्योंकि j और i में एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, फिर हमारा j इंटू जे 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर j इंटू k 0, k इंटू i 0, k इंटू j 0, और k इंटू k तो 1 होता है, तो प्लस का 3 हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 2 4 प्लस 3 7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करते हैं, यानी हमें दो वेक्टर गिवन होंगे, दोनों की अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करनी पड़े तो हम इस टाइप से करेंगे कि पहले की तीनों के साथ, दूसरे की तीनों के साथ, तीसरे की तीनों के साथ, और फिर हम मैच कर लेंगे, आई आई जे जे के के है तो रख लेंगे और सभी 0 हो जाएंगे, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट को शो करता है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको इतनी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो शॉर्टकट ये है कि हम जानते हैं कि आई डॉट आई वन होता है, तो आई की आई के साथ वन होगी, आई डॉट जे हो चाहे आई डॉट के हो, आना जीरो है ही है, तो क्यों लिखें। बात समझने लायक है कि आई डॉट आई वन होता है, जी लिख लिया, आई की जे के साथ की, आई की के साथ की, आना तो जीरो ही है, तो क्यों लिखे, क्यों टाइम वेस्ट करें हम अपना। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ और के की के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे विद इट्स साइन और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे इन दो वेक्टर्स को अगर मैं डायरेक्टली ए डॉट बी करूँ तो क्या होगा, आई की आई के साथ कर दो तो 2 × 1 कितना होता है, 2 होता है, प्लस 1 × 2 कितना होता है, 2 होता है, -1 × -3 कितना होता है, +3 होता है, आंसर कितना आया, 7, आंसर कितना आया, 7 है। तो वही बात, तो इतनी लेंथी प्रोसेस में जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी दो वेक्टर हमें आई जे के की फॉर्म में दे दिए जाएं और हमें दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ, डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो एक तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करके डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, सेकेंडली डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम एंगल भी निकालते हैं। बहुत कम जरूरत पड़ेगी लेकिन पड़ सकती है कहीं भी न्यूमेरिकल के अंदर कि दो वेक्टर फॉर्म आ जाएगी हमारे पास और दोनों वेक्टर फॉर्म से हम एंगल किस टाइप से निकालेंगे, ये जरूरत पड़ जाएगी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या टू वेक्टर लिख लो आप, ए है बी है, यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा। तो हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा है ना कि ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। ए डॉट बी हमारा कितना आया, अगर निकालक है तो ठीक है, अदरवाइज निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी अब हो ही गई है। ए डॉट बी हमारा 7 है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्केयर, जे के कोफिशियंट का स्केयर, के कोफिशियंट का स्केयर। लास्ट क्लास में हमने आई और जे दो की बात की थी ना, 4i + 3j, तो उसके अंदर डायरेक्टली हमारा 5 आंसर आ गया था। अगर बात 3d की चलेगी तो आई के कोफिशियंट का स्केयर प्लस जे के कोफिशियंट का स्केयर प्लस के कोफिशियंट का स्केयर का टोटल रूट ही हमारा ए का मैग्नीट्यूड होगा, ये बात याद रख लेना। तो यानी 2 का स्केयर 4 हो गया, प्लस 1 का स्केयर 1 हो गया, प्लस -1 का स्केयर भी 1 ही हुआ, इनटू बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, -3 का स्केयर 9, इनटू कोस थीटा इसका रूट। तो 7 किसके बराबर हुआ, √6 इनटू √14 इंटू कोस थीटा के बराबर हुआ। तो कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोस थीटा हमारा आ जाएगा 7/√6/√14। ये हमने एक अननोन एग्जांपल लिया है जिसके अंदर हमारी कैलकुलेशन कट नहीं रही है, बट हमारी जो फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी वो इस टाइप से कैलकुलेशन सेट होगी कि ये कुछ ना कुछ कट पिट के यहाँ पर एक सिंपल टर्म रह जाएगी और हम डायरेक्टली थीटा निकाल लेंगे। थीटा क्या होगा, कोस इनवर्स 7/√6/√14। ये होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हमने एक छोटा सा जिक्र करके छोड़ दिया था, बट हमारे जो कैलकुलेशन आएगी जैसे कोस थीटा आ जाएगा, ये कट पिट के सपोज करो इस टाइप की कैलकुलेशन होती है, हाफ हो जाता, तो हम जानते हैं हाफ कब होता है, जब कोस 60 डिग्री होता है, यानी कोस थीटा कोस 60 डिग्री के बराबर है, तो कंपेयर करने से पता चलता है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। हमें इस टाइप से इनका यूज करना है। तो अगर मोटा मोटी बोलें कि हमें डॉट प्रोडक्ट के अंदर याद क्या क्या रखना है,
तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमें एक तो हमारा ये फॉर्मूला याद रखना है, ए डॉट बी हमारा इसके बराबर होता है। सेकंड थिंग हमें याद रखनी है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमारा वन होता है, और अनदर कोई भी आपस में मल्टीप्लाई हो आई जे के बीच में, आपस की अगर तीनों में कोई मल्टीप्लाई हो तो उस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होती है, ये चीज़ याद रखना है। थर्ड, दो अगर आपको दो वेक्टर दे दिए जाए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम किस टाइप से निकालेंगे, तो दोनों वेक्टर को यहाँ पर सोल्व कर लेंगे और कोस थीटा की वैल्यू हमें एंगल बता देगी। तो इस टाइप से हमें हमारा ये डॉट प्रोडक्ट याद करना है। डॉट प्रोडक्ट के बाद बात करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वैक्टर प्रोडक्ट, यानी एक वैक्टर ए है क्रॉस बी होगा तब हम क्या निकालेंगे, यानी दो क्रॉस प्रोडक्ट होगी। अब इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए है कि इसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और हमारे पास एक डायरेक्शन भी होगी, दोनों को हम डिफाइन करेंगे। डॉट प्रोडक्ट हमारा स्केलर प्रोडक्ट था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, फिर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन की बात करेंगे। जैसे मैग्नीट्यूड में हमने ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखा था, एक ए डॉट बी इंटू कोस थीटा, उसी टाइप से ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू होती है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा वहाँ था, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा, उनके बीच के एंगल का साइन थीटा हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा उसी टाइप से एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर जो हमें याद रखना है। तो मैग्नीट्यूड हम इस टाइप से निकालेंगे। अब मैग्नीट्यूड निकालने के तरीके दो हैं, दोनों तरीकों को डिफाइन करेंगे, बट एक बार डायरेक्शन का हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। यहाँ तो हमने मैग्नीट्यूड की बात की कि मैग्नीट्यूड हमारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये होता है, डायरेक्शन की बात करेंगे। जैसे दो वेक्टर होंगे, ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, तो जो डायरेक्शन आती है ना ए क्रॉस बी से, एक हमें नया वेक्टर मिलता है, उस नए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वह डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यानी अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, जैसे बोर्ड में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और एक जो इसको बाइसेक्ट कर रही है या फिर इसको जो क्रॉस करके जा रही है वो जेड एक्सिस मानो, तो हमने ये मान लिया कि एक वेक्टर हमारे पास ए ये है और दूसरा वेक्टर हमारे पास कोई एक बी वेक्टर ये था, दोनों के दोनों एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं, तो हमारे ए क्रॉस बी से जो हमें नया वेक्टर मिलेगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो रिजल्ट भी हमें वेक्टर की फॉर्म में मिलेगा इसमें, तो जो नया वेक्टर मिलेगा वह वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और इसकी डायरेक्शन हम फिजिक्स में एक राइट हैंड थंब रूल होता है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं कि ए क्रॉस बी का मतलब बाहर की ओर, अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो बी से ए की तरफ जाऊं तो अंदर की ओर, डायरेक्शन है इस बात की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसमें, क्योंकि डायरेक्शन है तो ए ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, मैथमेटिकली चेक भी कर सकते हो जो हमने एग्जांपल किया, बट यहाँ पर डायरेक्शन के रोल के कारण ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। डायरेक्शन है तो उसको हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। फिजिक्स में आपको 12th क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, 11th क्लास में इसका बहुत कम रोल है, 7th चैप्टर में जाकर आएगा रोल, वहाँ पर आपको पढ़ा देंगे इस बात को। तो डायरेक्शन जो होगी वह डायरेक्शन जैसे ए क्रॉस बी जो है उससे हमें एक सी वेक्टर मिला, ए क्रॉस बी से हमें एक वेक्टर सी मिला, तो वह सी वेक्टर, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी ए एंड बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये बात हमें बिल्कुल याद रहनी चाहिए। हम प्रूफ भी करके देख लें कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होती है। हमने किया था ना आई कैप डॉट जे कैप, आई एक्स एक्सिस जे वाई एक्सिस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर, तो रिजल्ट हमारा जीरो आया था, वो हम यहाँ पर भी प्रूफ करके देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो किस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो
तो जैसे उसमें एक्स डायरेक्शन को आई कैप, वाई डायरेक्शन को जे कैप, जेड डायरेक्शन को कैप, के कैप से डिनोट करके आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के निकाला था, उसी टाइप से अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं कि आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, तो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई का मतलब आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन का जीरो डिग्री, साइन जीरो हमेशा जीरो होता है। तो हम लिख सकते हैं कि आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के क्रॉस के का मैग्नीट्यूड सेम होगा और वो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि आई आई उसी टाइप से जे जे उसी टाइप से के तीनों का हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जीरो आता है। तो एक तो ये बात नोट करना आप जरूर। सेकंडली एक ट्रायंगल बनाओ, आप एक सर्कल बनाओ। याद रखने का तरीका एक, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई क्या होता है, आई जे के। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, यानी आई की क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं जे के साथ करूँगा, जे की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करूँगा, के की क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ करूँगा, तो मुझे क्या मिलता है। जैसे आई के साथ जे के साथ के साथ हमें जीरो मिलता है, उसी टाइप से अगर मैं आई क्रॉस जे करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। मैग्नीट्यूड तो इसका वन ही होगा, क्योंकि आई डॉट जे इंटू साइन 90 डिग्री वन होता है। बट हम इतनी ज़्यादा डेप्थ में न जाकर चीज़ों को डायरेक्टली याद करेंगे, वो डायरेक्टली याद करने का तरीका ये तो बिल्कुल आसान सी बात याद रह जाएगी। दूसरी बात ये है कि आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें के मिलेगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें के मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इस टाइप से समझूँ x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, यानी x से y में जाऊंगा तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट मुझे ऊपर की ओर z एक्सिस की ओर शो करवाएगी, तो i क्रॉस j का मतलब k हो गया। इसी टाइप से अगर मैं कहूँ j क्रॉस k तो हमें क्या मिलेगा, j क्रॉस k करने के बाद हमें i मिलता है। और अगर मैं k क्रॉस i की बात करूँ, के क्रॉस आई की बात करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, जे मिलेगा। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। वेक्टर प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा इसका रोल आएगा हमारी फिजिक्स में, तो आप ध्यान से इसको समझो कि इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये है, हमें याद रखना है, कोई चारा नहीं है हमारे पास। इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, जब प्रैक्टिकली इसकी प्रॉब्लम आएगी तब हम अपने आप सीख जाएंगे, एक बार ज़्यादा दिमाग को जोर देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने सीखा कि ए क्रॉस बी अगर सी के बराबर आता है तो वेक्टर सी दोनों के, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी आई क्रॉस जे करूँगा तो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, के डायरेक्शन में होगा। अब एक इसमें दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है, ये तीनों के तीनों, ये जैसे फर्स्ट बात हो गई, सेकंड ये आप नोट कर सकते हो, उसके बाद ये, और थर्ड हमारी बात ये है कि ए क्रॉस बी है वह कभी भी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। इस बात को इस टाइप से समझो कि 1 माइनस 2 कभी भी 2 माइनस 1 के बराबर नहीं होगा, जस्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसी टाइप से ए क्रॉस बी हमारा नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। यानी पहली बात वेक्टर प्रोडक्ट में बात याद रखने लायक कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जीरो होता है। सेकंड बात इस एक सर्कल से याद रख सकते हो कि आई से जे में जाएंगे तो हमें के मिलेगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिलेगा। अगर हम इसका उल्टा चले, उल्टा चलने का मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ, आई क्रॉस के करूँ, के क्रॉस आई ना करके आई क्रॉस के करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का जे मिलेगा। जैसे
के क्रॉस आई प्लस का जे है तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस का जे होगा, इस रूल को फॉलो करेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आई जे के सर्कल में अगर हम इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलते हैं। आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस के आई, अगर उल्टा चलेंगे तो हमें रिजल्ट इसके नेगेटिव मिलेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमें एक वेक्टर ए दे दिया 2i प्लस जे प्लस 2k दे दिया, एक वेक्टर बी दे दिया i प्लस 2j प्लस 2k दे दिया, और ए क्रॉस बी पूछ लिया क्या होगा, ए क्रॉस बी पूछ लिया क्या होगा, तो हम किस टाइप से करेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम वही तरीका हमारा ए वेक्टर है तो ए क्रॉस लगा के बी वेक्टर है तो बी कर देंगे, और दूसरा तरीका जिस टाइप से उसमें थोड़ा आसानी था इसमें भी आसानी तरीका है, पहले पहला तरीका करके देख लेते हैं। 2i प्लस जे प्लस 2k क्रॉस i प्लस 2j प्लस 2k, 2i क्रॉस i, 2 कॉमन आ गया, i क्रॉस आई रह गया, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, आई क्रॉस जे हो गया, फिर 2 इंटू 2 4 हो गया, आई क्रॉस के हो गया, फिर हम जे के साथ करेंगे जे क्रॉस आई, फिर हम करेंगे जे की जे के साथ तो प्लस 2 इंटू जे क्रॉस जे हो जाएगा, प्लस 2 इंटू जे क्रॉस के हो जाएगा, क्रॉस यहाँ पर है ना तो जे पहले आएगा के बाद में आएगा, इस टाइप से हमें याद रखना है। प्लस अगर 2k की करूँ मैं तो 2k क्रॉस आई आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 k क्रॉस जे आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 k क्रॉस के आ जाएगा। अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि i क्रॉस i जीरो होता है, j क्रॉस j जीरो होता है, k क्रॉस k जीरो होता है, हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है। फिर हमें क्या याद रखना है, i क्रॉस j किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा, यानी i j k i हम याद रख लेंगे। याद रखने का तरीका ये है कि i j k i जे लिख दिया हमने, आई जे के आई जे के, तो अगर मैं आई क्रॉस जे करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, के मिलेगा, तो 4 इंटू आई क्रॉस जे करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 के मिलेगा। फिर आगे क्या है, आई क्रॉस के है ना, के क्रॉस आई करता हूँ तो मुझे जे मिलता है, तो अगर मैं आई क्रॉस के करूँगा तो उल्टी डायरेक्शन में आ रहा हूँ ना तो माइनस जे मिलेगा। याद रखने का तरीका ही बता रहा हूँ जस्ट कि आई जे के आप लिख लो यहाँ पर, तो आई से अगर इस डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू लगाते चलना। तो आई क्रॉस के का मतलब, आई क्रॉस के का मतलब माइनस का जे, तो माइनस का 4j, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो इस साइड क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई के होता है ना तो हम के लगा देंगे, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन का है तो हम माइनस का के लगा देंगे। फिर ये जीरो हो ही गया, जे क्रॉस के, जे से मैं के में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा, तो प्लस का 2 आई। अब के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या मिलेगा, जे, राइट डायरेक्शन में है तो प्लस का जे, और 2 है कॉन्स्टेंट। फिर हम करेंगे कि 4 इंटू के क्रॉस जे, के क्रॉस जे करूँगा तो क्या होगा, आई, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन का है माइनस का आई, और 4 कॉन्स्टेंट का 4 लग जाएगा। अब हम इसे कंबाइन कर देंगे, जैसे सबसे पहले आई को ढूंढते हैं, प्लस का 2 आई और माइनस का 4 आई है तो माइनस का 2 आई बच गया। फिर जे को देखते हैं, प्लस का 2j माइनस का 4j मतलब कि माइनस का 2j, प्लस का 4k माइनस का k
माइंड प्लस का 3k आ जाएगा। ये होता है हमारा ए क्रॉस बी करने का एक मेथड कि हमें ए क्रॉस बी ये मिलता है। बात वही है, हमें पहले ए वेक्टर का ए वेक्टर लिखना है, फिर क्रॉस करके दूसरा वेक्टर लिखना है, बी वेक्टर हो जाएगा। आई के साथ, आई की जे के साथ, आई की के साथ क्रॉस प्रोडक्ट सिमिलरली सारे आ जाएंगे। आई जे जे के तो जीरो है, आई जे के किस टाइप से क्या होते हैं हम इस लाइन से याद रख लें, अगर राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, अगर लेफ्ट आ रहे हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स हो जाएंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट। सेकेंड इसका तरीका है डिटर्मिनेंट का तरीका। डिटर्मिनेट मतलब हम सबसे पहले ऊपर आई जे और के लिख लेंगे, फिर ए क्रॉस बी है ना, ध्यान रखना कि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे ए के कोफिशियंट लिखेंगे, ए के कोफिशियंट 2 1 2, फिर बी है ना तो दूसरी लाइन में हम क्या लिखेंगे बी का कोफिशियंट 1 2 2, और हम इसको सोल्व करेंगे। ये वही तरीका है कि आप 2 3 1 2 इस टाइप से आप एक बहुत पुरानी कैलकुलेशन करते आए हो एक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वही तरीका है। हम इसमें आई रखेंगे कॉमन, आई हमने कॉमन रख लिया, तो आई कॉमन रखने के बाद इसकी जो कैलकुलेशन होगी कि ये हमने अगर आई लगाया है, ध्यान से समझना बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मैं आई लगा रहा हूं यहां पर तो आई वाली रो और आई वाला कॉलम छुपा दो, और कौन सी प्रोडक्ट है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस कर दो, ये क्रॉस माइनस ये हो जाएगा, यानी 2 × 1 − 2 × 2 हो जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका है कि 2 − 4 हो जाएगा, 2 − 4। सेकेंड हम माइनस का जे छुपाएंगे, सॉरी कॉमन लेंगे, अब जे वाली सिस्टम आप लॉक कर दो, तो 2 × 2 = 4, माइनस का 1 × 2 = 2, ये हो गया। फिर प्लस का के और 2 × 2 = 4 − 1, ये आ जाएगा। तो 2 − 4 कितना होता है, माइनस का 2i, 4 − 2 = 2 होता है तो माइनस का 2j, 4 − 1 क्या होता है 3 होता है, तो प्लस का 3k, ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। बिल्कुल आसानी से आ गया, इतना सिस्टम हमें करना भी नहीं पड़ा, यही सेम टू सेम रिजल्ट है। इस तरीके को एक बार और समझ लो आप कि सबसे पहले हम आई जे के लिखेंगे, ए क्रॉस बी है तो ए के कोफिशियंट लिख दिए, बी बाद में है तो बाद में बी के कोफिशियंट लिख दिए, फिर जब बात आई की आएगी तो आई आई बच गई ये चार टर्म में, इनमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी है कि 2 × 1 − 2 × 2, तो 2 − 4 हो गया। सेकंड हमारा माइनस का होगा, याद रखना ये बात, माइनस का होता है, तो ये और ये छुपा लेंगे, 4 − 2 हो जाएगा। सेम टू सेम के में ये लाइन और ये लाइन छुपा लेंगे, 4 − 1 हो जाएगा, और हमारे पास अपना एक रिजल्ट आ जाएगा। अब ये चीज़ माइनस क्यों होती है, क्योंकि हमने बहुत पुराना तरीका एक पढ़ा था कि 2 3 1 4, इसके अंदर सबसे पहले सेकंड और थर्ड की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, सेकंड और थर्ड की कर दी हमने, आई का रिजल्ट आ गया। फिर कहते थे तीसरे और पहले की, यानी तीसरे और पहले की, पहला अगर मैं आगे लेके आता 2 × 1 तो 2 − 4 कितना होता, −2 होता ना, बट हमने क्या किया है 4 − 2 किया है, हमने इस एक्स्ट्रा सुविधा को लगाने की बजाय पहले ही माइनस लगा दिया कि हम इसको आगे नहीं लेके जा रहे, इसी के अंदर ही सोल्व कर लेंगे। तो वो तरीका हमारा यही है कि 3 से 1 करूं, चाहे 1 से 3 करके नेगेटिव लगा दूं, तो 1 से 3 करके नेगेटिव लगा दिया कि 4 − 2 हो गया। सेम टू सेम के का तो सिंपल हो गया, 1 × 2 होता है, सॉरी 4 नहीं होता, तो 1 और 2 की क्रॉस आपस में हो जाएगी, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। आपका एक होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी हमारे पास ये आया है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके दिखाओ।
जैसे हमारे पास ए क्रॉस बी कितना आया, माइनस का टू आई, माइनस का टू जे, प्लस का थ्री के आया। तो इस वेक्टर की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, आई की आई के साथ टू इंटू माइनस टू माइनस फोर। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ए क्रॉस बी के साथ। तो माइनस टू इंटू टू माइनस का फोर, माइनस टू इंटू वन माइनस का टू, प्लस का थ्री इंटू टू प्लस का सिक्स, कितना आया जीरो। हम ये भी कर सकते हैं कि बी डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा, इसकी इसके साथ करो, वन माइनस टू माइनस टू, टू माइनस टू माइनस फोर, टू प्लस थ्री प्लस का सिक्स, कितना आया जीरो आया। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि दो वेक्टर होंगे उनकी क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह रिजल्ट उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारा मैथमेटिकल टूल्स के लास्ट टॉपिक का एंड था। फाइनली आज हमने अपना मैथमेटिकल टूल जो था वो ख़त्म कर लिया है। अब बात बचती है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस की, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को इसके अंदर फील आएगा। और प्रैक्टिस के लिए जब हमने मैथमेटिकल टूल का सेकंड लेक्चर लगाया था, जब हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, तो एक एक्सरसाइज की बुकलेट का लिंक सेंड कर दिया गया था। तो आप उस लिंक से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फिजिक्स में आपकी पकड़ होगी। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर।